दोस्तों मैं आपको एक फ्यूचर बाइक के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस तरह की बाइक आने वाले समय में लॉन्च होगी और इंडिया में आपके और हमारे हाथ में होगी ये बाइक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको जुगाड़ कर करके बनाया गया है। यहाँ पे मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड का ये टैंक लगाया है, ये सीट इसकी अलग से बनाई गई है। नीचे आपको यहाँ पर इसकी जो क्लच प्लेट है उसके कवर से इसका ये साइड का एक डिज़ाइन बनाया गया है, और पीछे का जो टायर है यहाँ पर ये पूरा का पूरा सारी की सारी चेन्स को लपेट करके यहाँ पे लगा दिया गया है, यानी कि चेन वगैरह को पूरा लपेट करके इसके टायर बनाए हैं। और आगे के और पीछे के, पीछे का टायर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर इसकी ग्रेडेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, नॉन स्किड ये गाड़ी रहेगी, जिससे कि आप काफ़ी स्पीड पर भी इस गाड़ी को चला सकेंगे। और काफ़ी बेहतरीन इसके अंदर आपको सस्पेंशन मिलने वाला है कि आप जब गाड़ी को बैठ करके चलाएँगे तो दो दिन तक आपको याद रहेगा कि आपने कौन सी गाड़ी चलाई है। फिलहाल ये आपको पीछे का इसका जो है ये सीट मिलेगा यहाँ पर, रियर पिनियन सीट, और काफ़ी बेहतरीन ये बाइक है। और इसके पावर के बारे में तो आप अपने मन से लगा सकते हैं कि कितनी पावर आपको इसके अंदर मिलेगी। अलग अलग पावर के अंदर ये गाड़ी अवेलेबल होगी, 100 cc से लेकर के 500 cc तक ये गाड़ी आएगी। रॉयल इनफील्ड और जावा जैसी बाइक को टक्कर देने के लिए भारतीय बाजार में ये बाइक को उतारा जाएगा। फिलहाल इस गाड़ी का एक छोटा सा डेमो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। फ्रंट में आपको यहाँ पर नंबर प्लेट वगैरह लगाने के लिए अलग से एक जगह मिल जाती है, ये इसके यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर वगैरह सारी सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर ABS, EBD इस तरह की सारी सारी फैसिलिटी मिलेगी। प्राइसिंग के बारे में अभी कुछ कंफर्म कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये गाड़ी आपके मार्केट में आएगी, जब ये बाजार में आएगी, तब हम अनुमान लगा के बताएंगे कि ये गाड़ी कितने की आपको पड़ेगी। तो फिलहाल एक छोटा सा रिव्यू था जिसके अंदर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको ये बाइक अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड कमेंट में लिख करके बताइएगा कि गाड़ी आपको क्यों अच्छी लगी। इसके फ्रंट के जो फोर सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हैं, कि अगर हाथियों का बल भी इसको खींचने में लग जाए तो शायद गाड़ी डैमेज नहीं होगी। पूरी की पूरी मेटल से बनी हुई ये गाड़ी है, 100% मेटल से बनी हुई गाड़ी है और काफ़ी बेहतरीन है। यही है एक छोटी सी जानकारी। अच्छा लगे रिव्यू तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नोएडा ऑटो एक्सपो के अंदर इस गाड़ी का एक डेमो यहाँ पे दिया गया है, कॉन्सेप्ट बाइक है, फ्यूचर में आएगी, देखते हैं कब आती है आपके शहर में और हमारे शहर में। अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इसका एक जो है परमानेंट आपको एक सॉल्यूशन बता सकूँ कि आप इस गाड़ी को कहाँ से खरीद सकते हैं। तो यही है छोटा सा रिव्यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो अभी के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।